डॉक्टर साजिद खान। कहाँ पर ड्यूटी थी आपकी और क्या घटना हुई आपके साथ? मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी, मैं इवनिंग ड्यूटी कर रहा था, तभी एक बमीठा से एक मृतक को लेके आए। उन्हें पहले से ही पता था ये मृतक हैं, उसके बाद भी यहाँ वो कंफर्म करने आए तो मैंने ECG निकाल कर उन्हें बता दिया कि अब ये नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद उन्होंने गाली गलौज चालू कर दी और ड्यूटी रूम में घुस के मेरे साथ मारपीट की। कैसे मारपीट की है? कितने लोग थे? 6 से 7 लोग आए थे, जिससे मेरे कान में चोट लगी, मुझे मेरी उंगलियों में चोट लगी और मेरे दांतों में भी चोट आई। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अनिल शुक्ला है, जिला चिकित्सालय में मेडिकल ऑफिसर की पदों पर। ये जो घटना घटी है इसको लेकर आप लोगों ने क्यों काम बंद कर दिया? देखिए, ये घटनाएं बहुत आम हो चुकी हैं। अब मैं छतरपुर बस की बात ना करूं, मध्य प्रदेश और पैन इंडिया की बात करूं, तो आजकल डॉक्टरों पे हमले और डॉक्टरों पे इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो चुकी हैं और कई बार प्रशासन को इस चीज़ से अवगत कराने के बाद में भी प्रशासन बिल्कुल नहीं इस ओर ध्यान दे रहा है। तो इसीलिए सभी डॉक्टरों ने लामबंद होकर काम करना बंद कर दिया है। हमारी प्रशासन से अभी भी मांग है कि जो व्यक्ति हैं जिन्होंने डॉक्टर के साथ इस प्रकार की घटना घटित करी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जब तक प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर से आके यहाँ पे मिलकर उन्हें इस प्रकार का आश्वासन नहीं देते तब तक कार्य बंद। जिला चिकित्सालय छतरपुर में ऑन ड्यूटी डॉक्टर साजिद खान थे, उनके द्वारा मुझे सूचना दी गई कि एक एक्सीडेंट से जो मरीज के परिजन यहाँ जिला चिकित्सालय में लाए थे उन्होंने देखा, उनको पता लगा कि मतलब लगभग ख़त्म हो चुके हैं, तो ECG कराई उन्होंने कन्फर्म के लिए कि मृतक का एक ECG कराने पर उन्होंने अपने उनके परिजनों को बताया कि आपका जो जिसका एक्सीडेंट हुआ वो ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद वो अन्य मरीजों को देखने लगे, अन्य मरीजों को जैसे देख रहे थे उनके परिजन जिला चिकित्सालय का स्ट्रेचर लेकर के और बाहर अन्य किसी अस्पताल में ले जाने लगे और बाहर निकल भी गए थे। इसके बाद जो हमारे जो डॉक्टर ने ये बताया कि वो उनमें से 4-5 लड़के आए और जो डॉक्टर ड्यूटी रूम में घुस करके उनके साथ अचानक मारपीट करने लगे। हॉस्पिटल छतरपुर में कुछ देर पहले पेशेंट के साथ जो उनके रिलेटिव आए हुए थे और जो ड्यूटी डॉक्टर थे उनके बीच कुछ इशू हुआ था और गंभीर मैटर था, इमीडिएट हमारे थाना प्रभारी आया और हमने इंश्योर किया है कि तो संगत धाराओं में कड़ी से कड़ी FIR इसमें की जाएगी। ये अभी कोतवाली थाना का है लेकिन जो मैटर था शायद हिट एंड रन का मैटर था, वो बमीठा से जहाँ वो पेशेंट को लेके आया और कोतवाली में इसका हम FIR रजिस्टर कर रहे हैं। अभी मेरी वही सभी CS सिविल सर्जन और दूसरे डॉक्टर सभी से बात हुई, उनका कुछ और डिमांड थी कुछ पुलिस फोर्स बढ़ाने चौकी में, तो उसको हम अभी रेशनलाइज करेंगे, तो बेहतर होगा, बेहतर व्यवस्था की जाए।